हेलो एवरीवन, मैं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं एन के एम वेंचर्स। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 24 को कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 1 to 23 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसे आप मेरे चैनल में इनडायरेक्ट टैक्स रिवीजन प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। और मेरा जो एन के एम वेंचर्स टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको नोट्स टाइमली मिलते रहेंगे। अब हम सेक्शन नंबर 24 की बात करते हैं। ये कहता है कुछ मिसलेनियस प्रोविज़न जो कि जीएसटी में एप्लीकेबल हैं। तो इस चैप्टर का लॉजिक ये है कि जो अभी तक हमने सेक्शंस पढ़े थे उसके अलावा के कुछ सेक्शन हैं जो यहाँ पर लगने वाले हैं उनके बारे में हमें जानकारी हो जाए, ठीक है। तो देखो इसका लर्निंग आउटकम क्या है चैप्टर का। अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द मिसलेनियस प्रोविजन रिलेटिंग टू द डॉक्यूमेंट, नेमली प्रजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट इन सर्टेन केसेस, एडमिसेबिलिटी ऑफ द माइक्रो फिल्म, फैसिमिलाइज कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड कंप्यूटर प्रिंटआउट्स एज द डॉक्यूमेंट एंड एज एविडेंस एक्सेट्रा। सेकेंड हमारा इसका आउटकम होगा अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द मिसलेनियस प्रोविजन रिलेटिंग टू द फर्निशिंग रिलेटिंग टू फर्निशिंग कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, नेमली बार ऑन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय ए पब्लिक सर्वेंट, पब्लिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन इन सर्टेन केसेस एक्सेट्रा। एंड नेक्स्ट हमारा आउटकम होगा अंडरस्टैंड करेंगे हम क्या एंड एक्सप्लेन द मिसलेनियस प्रोविजन रिलेटिंग टू रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी, डेलीगेशन ऑफ पावर, ओमिशन, रीपे एंड सेविंग एंड अदर प्रोविजन्स, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एंड लास्ट में कहता है अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू द एंटी प्रॉफिटेयरिंग मेजर इंक्लूडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एंटी प्रॉफिटेयरिंग अथॉरिटी, इट्स ड्यूटीज, ऑर्डर, प्रोसेस फॉलोड बाय इट एक्सेट्रा। Appreciate and explain the provision relating to the administration of the CGST and IGST. तो इस ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कहता है मिसलेनियस प्रोविजन, एक बार इसको गो थ्रू कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम वन बाय वन इसकी तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा पोर्शन है वो बात करता है डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जो कि डील करता है सेक्शन 144 एंड 145। ये वाला सेक्शन डील करता है डॉक्यूमेंट्स के बारे में। सेक्शन 150 बात करता है ऑब्लिगेशन टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिटर्न, 151 पावर टू कलेक्ट स्टैटिक्स, 152 कहता है बार टू डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन, 158 बात करता है डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द पब्लिक सर्वेंट, एंड 159 किसके बारे में बात करेगा, पब्लिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द पर्सन इन सर्टेन केसेज। तो सेक्शन 150 से लेकर के 159 तक बात कर रहा है फर्निशिंग कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद तो हम इसमें ये वाले टॉपिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, नेक्स्ट जो सेक्शन है वो किस बारे में है, नेक्स्ट सेक्शन हमारा है 153 एंड 160 एंड 161 170। ये कहता है रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी। रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है कि जो भी जीएसटी में आपको दिक्कतें परेशानियां आएंगी तो उसको जो डिपार्टमेंट है वो कब तक रिजोल्व कर सकता है, कब तक रिजोल्व कर सकता है बताइए। सेक्शन 159 कहता है टेकिंग असिस्टेंस फ्रॉम एन एक्सपर्ट। सेकेंड 160 कहता है असेसमेंट प्रोसीडिंग एक्सेट्रा नॉट टू बी इनवैलिडेट ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। 161 कहता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। एंड 170 कहता है राउंडिंग ऑफ द टैक्सेस। तो ये कुछ हमारे प्रोविजंस हैं जो कि मिसलेनियस हैं और इस बारे में बात करते हैं, तो इनको अपन वन बाय वन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले एक बात और देख लीजिए, 172 है रिमूवल डिफिकल्टी के बारे में, डेलीगेशन ऑफ पावर के बारे में 164 कहता है पावर ऑफ गवर्नमेंट टू मेक द रूल, गवर्नमेंट का पावर क्या है रूल बनाने की, 165 है पावर टू मेक रेगुलेशन, 166 के अंदर है लाइंग ऑफ द रूल रेगुलेशन एंड नोटिफिकेशन, 167 कहता है डेलीगेशन ऑफ पावर
उसके बाद 168 कहता है पावर टू इशू इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन, 170 एंड 174 ये दोनों बात करते हैं ओमिशन एंड रिपील ऑफ द अर्लियर लॉ। सेक्शन 173 कहता है अमेंडमेंट ऑफ द एक्ट 32 ऑफ 1994। 174 कहता है रीअपील एंड सेविंग के बारे में। 143 जॉबर के बारे में बात करेगा। 146 कॉमन पोर्टल के बारे में बात करेगा। 147 डीम्ड एक्सपोर्ट के बारे में बात करेगा। 148 स्पेशल प्रोसीजर फॉर सर्टेन प्रोसेसेस। 149 गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंप्लायंस रेटिंग। 154 पावर टू टेक सैंपल। 155 बर्डन ऑफ प्रूफ। 156 पर्सन डीम्ड टू बी पब्लिक सर्वेंट। 157 प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन अंडर दिस एक्ट। एंड 162 कहता है बार और ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट। 163 लेवी ऑफ फीस। 169 सर्विस ऑफ नोटिस इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। 171 एंटी प्रॉफिटेरिंग मेजर। ठीक है, उसके बाद ये तो हमारे जो थे ऊपर वाले सेक्शन ये CGST के थे। उसी प्रकार से IGST के कुछ सेक्शन है जो मिसलेनियस में आ रहे हैं। यहाँ पे कौन कौन से सेक्शन हैं? अपोर्शनमेंट ऑफ द टैक्स एंड सेटलमेंट ऑफ द फंड इस चैप्टर के मिसलेनियस है। क्या कहता है? अपोर्शनमेंट एंड सेटलमेंट। अपोर्शनमेंट और सेटलमेंट ये किस बारे में कह रहा है? अपोर्शनमेंट जो भी टैक्स कलेक्ट होगा ना तो उसका अपोर्शनमेंट किस तरीके से होगा। तो IGST का सेक्शन 17 कहता है अपोर्शनमेंट ऑफ द टैक्स एंड सेटलमेंट ऑफ फंड। सेक्शन 17 डील करेगा इसके बारे में। सेक्शन 18 डील करेगा ट्रांसफर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। ट्रांसफर उफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। सेक्शन 19 कहता है टैक्स रॉन्गफुली कलेक्टेड एंड पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। जो गलत तरीके से कलेक्ट करके सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट को पे कर दिया गया है। उसके बाद सेक्शन 20 बात करता है रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी के बारे में। जो एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। 25 रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी। 22 तो इस तरीके से हमारे मिसलेनियस प्रोविजन है। ये तो मैं वो था आपका पास क्या बोलते हैं उसको इंडेक्स था बेसिकली जो हम इंडेक्स को पढ़ रहे थे। अब हम इसको जो मेन है ना उसके हम जो सेक्शंस है उसको हम यहाँ से पढ़ते जाते हैं। तो दूसरा पॉइंट है वो कहता है प्रिजम्पशन एज द डॉक्यूमेंट इन सर्टेन केसेस। प्रिजम्पशन का मतलब क्या है कि अगर आपको डॉक्यूमेंट मिल रहा है तो हम ये मान के चलेंगे कि वो डॉक्यूमेंट आपका ही है। हम मतलब कौन? डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट ये मान के चलता है कि अगर आपके पास यानी एसएससी के पास कोई डॉक्यूमेंट मिला है तो वो फिर एसएससी से ही रिलेटेड है। ठीक है, अब सेक्शन 144 इस बारे में बात करते हैं प्रिजम्पशन के लिए। क्या है प्रिजम्पशन? जनरली मीन्स एन एक्ट ऑफ द एक्सेप्टिंग दैट समथिंग इज ट्रू अंटिल इट इज प्रूव नॉट ट्रू। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? आपके ऊपर है कि आप इसे प्रूव करिए कि ये ट्रू नहीं है। लेकिन प्रिजम्पशन क्या मान लिया जाएगा कि ये ट्रू है। सेक्शन 144 लेज डाउन द प्रिजम्पशन दैट आर ऑब्जर्व बाय द कोर्ट व्हेन सर्टेन डॉक्यूमेंट गिवन बिलो इन द डायग्राम आर सबमिटेड एज ए एविडेंस बाय द प्रोसिक्यूशन इन प्रोसीडिंग अंडर द GST एक्ट अगेंस्ट एनी पर्सन। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है? प्रोड्यूस बाय एनी पर्सन अंडर द CGST एक्ट और एनी अदर लॉ। सीज फ्रॉम द कस्टडी और कंट्रोल ऑफ एनी पर्सन अंडर द CGST एक्ट और एनी अदर लॉ। रिसीव फ्रॉम एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग। तो या तो उस पर्सन के पास से ही जब्त हुआ हो या तो प्रोसीडिंग चल रही थी और इंडिया के बाहर हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स को उस असेसी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट को पकड़ा है या फिर कोई प्रोड्यूस किया गया है कोई भी एनी पर्सन बाय एनी पर्सन अंडर द CGST एक्ट। किसी भी पर्सन के द्वारा CGST एक्ट किया तो वो सारे डॉक्यूमेंट हम ये मानेंगे कि वो डॉक्यूमेंट उस असेसी से रिलेटेड है अनलेस कि ये प्रूफ कर दिया जाए कि वो असेसी से रिलेटेड नहीं है। और बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर हो? असेसी के ऊपर ही होगा। टेंडर्ड बाय द प्रोसिक्यूशन इन एविडेंस अगेंस्ट सच पर्सन और एनी अदर पर्सन हु इज टाइड ज्वाइंटली विद सच पर्सन एज पर द एविडेंस एक्ट 1872 द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव्ड बाय द एविडेंस एंड द सिग्नेचर और द हैंड राइटिंग ऑफ ए पर्सन ऑन द डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव्ड टू बी ऑफ द पर्सन ऑफ हुम इट इज अलाइड टू बी। जैसा दिख रहा है वो उसी का है। ये कैसे पता चलेगा? उसके साइन या फिर उसके सिग्नेचर्स वगैरह से देख करके। ठीक है, अब सेक्शन जो 144 है वो कहता क्या है? सेक्शन 144 अनेबल द कोर्ट ऑफ लॉ टू मेक द डिपार्चर फ्रॉम द अबव जनरल प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट गिवन इन द डायग्राम अबव एंड प्रिज्यूम ट्रुथ ऑफ द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट द सिग्नेचर विच पर्पस
विच प्रपोज टू बी हैंड राइटिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन इन दैट पर्सन हैंड राइटिंग, मतलब किसी भी पर्सन का हो फिर भी हम ये मान लेंगे कि वो उसी पर्सन का हैंड राइटिंग है और वो उसी का ही डॉक्यूमेंट है। तो अब क्या हो जाएगा इससे, इससे ये होगा कि वो अल्टीमेटली जो बर्डन ऑफ प्रूफ हो जाएगा ना वो शिफ्ट हो जाएगा उस पर्सन की तरफ। तो उस पर्सन ने ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो डॉक्यूमेंट उससे रिलेटेड नहीं है। एग्जीक्यूशन और अटेस्टेशन इज द डॉक्यूमेंट हैज बीन एग्जीक्यूटेड और अटेस्टेड बाय द पर्सन बाय होम इट प्रपोज टू हैव बीन सो एग्जीक्यूटेड और अटेस्टेड। दिस इम्प्लाई दैट इन केस ऑफ सच डॉक्यूमेंट इफ द साइड पर्सन क्लेम दैट द डॉक्यूमेंट इज नॉट ट्रू और नॉट साइंड और हैंड रिटन बाय हिम और नॉट अटेस्टेड और एग्जीक्यूटेड बाय हिम द बर्डन ऑफ प्रूफ इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम शैल लाई ऑन हिम। ठीक है। फर्दर द स्टाम्प एक्ट 1899 प्रूफ प्रोवाइड्स दैट अ डॉक्यूमेंट विच इज नॉट ड्यूली स्टाम्प्ड शैल बी इनएडमिसेबल इन द एविडेंस। हाउएवर सेक्शन 144 अलाउ द कोड टू डिपार्ट फ्रॉम सच जनरल प्रोविजन बाय प्रोवाइडिंग दैट डॉक्यूमेंट शैल बी एडमिसेबल इन द एविडेंस इवन इफ इट इज नॉट ड्यूली स्टाम्प्ड। ठीक है। उसके बाद जो हमारा सेक्शन 145 कहता है, 144 क्या कह रहा था मुद्दे की बात कि भाई अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट पकड़ा गया है तो चाहे वो आपके साइन हो ना हो स्टैम्प हो ना हो कुछ भी हम नहीं देखेंगे, हम सीधा मान लेंगे कि वो आपसे ही संबंधित है और यहाँ पे हम कौन है डिपार्टमेंट। सेक्शन 145 बात करता है एडमिसेबिलिटी ऑफ द माइक्रोफिल्म फैसिमिलाई कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड द कंप्यूटर प्रिंट आउट एज द डॉक्यूमेंट एंड द एविडेंस। ठीक है। डीम डॉक्यूमेंट कौन सी माने, माइक्रोफिल्म जो होती है उसको भी डीम डॉक्यूमेंट मान लिया जाता है जीएसटी के अंदर। फैसिमाइल कॉपी है उसको भी मान लिया जाएगा। कंप्यूटर प्रिंटआउट्स है उसको भी जीएसटी के अंदर डॉक्यूमेंट्स मान लिया जाता है। इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली, जो इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली सेव किए गए हैं उनको भी यहाँ पे मान लिया जाता है कि वो डॉक्यूमेंट है। सेक्शन 145 में एक है माइक्रोफिल्म, ये होता क्या है, माइक्रोफिल्म ऑफ ए डॉक्यूमेंट और द रिप्रोडक्शन ऑफ द इमेज एम्बॉडीड इन सच माइक्रोफिल्म वेदर एन लार्ज और नॉट। माइक्रोफिल्म आर द फिल्म कंटेनिंग द माइक्रो फोटोग्राफ्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट। सच इमेज आर जनरली प्रोवाइडेड एज निगेटिव्स, निगेटिव्स में प्रोवाइड किया जाता है तो उनको हम डॉक्यूमेंट मान लेते हैं इसमें। फैसिमिलाई कॉपी क्या है ऑफ द डॉक्यूमेंट, फैसिमिलाई इज ए कॉपी और रिप्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट इज ट्रू टू द ओरिजिनल सोर्स एज पॉसिबल। एन एक्सट्रैक्ट कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट इज फैसिमिलाइज स्टेटमेंट कंटेन इन द डॉक्यूमेंट एंड इंक्लूड इन प्रिंटआउट मटीरियल प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर। ठीक है। और इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली इफ एनी डिवाइस और मीडिया इंक्लूडिंग एनी हार्ड कॉपी मेड सच इंफॉर्मेशन इट रेफर टू द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द डिजिटल फॉर्म विच रिक्वायर द यूज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सच ऑल्सो सच इंफॉर्मेशन इज नॉर्मली क्रिएटेड एंड अल्टर्ड इन द डायग्राम फॉर्म। दिस कैटेगरी वुड इंक्लूड द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन ERP सिस्टम दैट आर एम्प्लॉयड बाय द मोस्ट ऑफ बिजनेस प्रेजेंटली। इट ऑल्सो इंक्लूड द प्रिंट आउट ऑफ सच डिजिटल इंफॉर्मेशन। ठीक है। सच डॉक्यूमेंट शैल बी एडमिसेबल इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस अंडर द एक्ट विदाउट फर्दर प्रूफ ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल एज एविडेंस ऑफ एनी कंटेंट ऑफ द ओरिजिनल और ऑफ एनी फैक्ट स्टेटेड देयर इन विच डायरेक्ट एविडेंस वुड बी एडमिसेबल। ठीक है। तो कंप्यूटर डॉक्यूमेंट को भी इसमें इन्होंने सर्टिफिक वो माना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सर्टिफिकेशन में क्या कहा हो गया, सर्टिफिकेशन कैसे होगा। आइडेंटिफाई द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द स्टेटमेंट एंड डिस्क्राइबिंग द मैनर इन विच इट वॉज प्रोड्यूस गिविंग सच पर्टिकुलर ऑफ द डिवाइस इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ दैट डॉक्यूमेंट एज मे बी अप्रोप्रिएट फॉर द पर्पज ऑफ शोइंग दैट द डॉक्यूमेंट वॉज प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर। इट मे बी नोटेड दैट इट शैल बी सफिशियंट फॉर द मैटर टू स्टेट दैट बेस्ट ऑफ द नॉलेज एंड बिलीव ऑफ द पर्सन गेटिंग इट। ठीक है। ये हमारा सेक्शन है 145 हमने खत्म किया। अब हम 151 और 152 ये कहते हैं पावर टू कलेक्ट स्टैटिक्स एंड बार टू डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन। जो प्रॉपर ऑफिसर है ना उनके पास पावर है, जीएसटी ऑफिसर्स के पास पावर है कि आप कैसे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, स्टैटिक्स को कलेक्ट कर सकते हैं, और उनके साथ में रिस्ट्रिक्शन है कि वो ऐसे किसी और को डिस्क्लोज नहीं करेंगे
ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है। एक्सेप्शन रिपोर्टिंग है कि अगर लॉ के द्वारा जरूरत किया गया है, फिर कमिश्नर को चाहिए, मतलब जो अपने ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए वो आपकी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकता है, लेकिन ऐसे किसी और बंदे को डिस्क्लोज नहीं कर सकता है। अगर उसकी लॉ की फाउंडेशन होगी या फिर उसकी ड्यूटी को एग्जीक्यूट करने के लिए जरूरी होगा तो ही वो कर सकता है। सेक्शन 158 बात करता है डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द पब्लिक सर्वेंट। अगर पब्लिक सर्वेंट आपका इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करता है तो उस केस में क्या होगा? सेक्शन 158 लेज डाउन द प्रोविजन ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन एज ऑल्सो मेंटेन इन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द सेम एंड रिलेटेड पेनल प्रोविजन इन पिनल प्रोविजन इन द इवेंट ऑफ द कंट्रावेंस ऑफ द सेम। मतलब उसको पिनल प्रोविजन लगेगा किसको बोला, अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट अगर इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करता है तो। इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट टू बी ट्रीटेड एज कॉन्फिडेंशियल, द फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज कॉन्फिडेंशियल, ऑल द पर्टिकुलर कंटेन इन द स्टेटमेंट मेड रिटर्न फर्निश्ड और अकाउंट और डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस इन अकॉर्डेंस विद द एक्ट, ऑल द पर्टिकुलर कंटेन इन एनी रिकॉर्ड ऑफ द एविडेंस गिवन इन कोर्स ऑफ द प्रोसीडिंग अंडर द एक्ट अदर देन प्रोसीडिंग बिफोर द क्रिमिनल कोर्ट, और ऑल द पर्टिकुलर कंटेनिंग एनी रिकॉर्ड और एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट। एक्सेप्शन टू द सेक्शन 158 कहता है पर्टिकुलर दैट कैन बी डिस्क्लोज। सेक्शन 158 लेज डाउन द नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द सेक्शन 158 फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन मे बी डिस्क्लोज फॉर प्रोसिक्यूशन एनी पर्टिकुलर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच स्टेटमेंट रिटर्न अकाउंट डॉक्यूमेंट एविडेंस एफिडेविट और डिस्क्रिप्शन फॉर द पर्पज ऑफ एनी प्रोसिक्यूशन अंडर द इंडियन पिनल कोड और द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 और द एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और फॉर कैरिंग आउट द ऑब्जेक्ट ऑफ द आर्ट एनी पर्टिकुलर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और एनी पर्सन एक्टिंग इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग आउट द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट और फॉर सर्विंग ऑफ द नोटिस और रिकवरी ऑफ डिमांड एनी पर्टिकुलर्स वेन सच डिस्क्लोजर इज ओकेजन बाय द लॉफुल एक्सरसाइज अंडर द एक्ट ऑफ एनी प्रोसेस ऑफ द सर्विस ऑफ एनी नोटिस और द रिकवरी ऑफ एनी डिमांड। तो इस तरीके से इन केसेस में, या फिर गवर्नमेंट पार्टी है ऑडिट के टाइम पे, ठीक है, तो इन इस या फिर जीएसटी ऑफिसर को इंक्वायरी के लिए हो चाहिए, लेवी टैक्स प्लॉट यानी लॉ के लिए की फाउंडेशन में, तो इन इन केसेस में जो है पब्लिक इंटरेस्ट में और या फिर लॉ में कोई रिस्ट्रिक्शन दिया है तो इन इन केसेस में वो डिस्क्लोज कर सकता है इंफॉर्मेशन को, ठीक है। सेक्शन 159 कहता है पब्लिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द पर्सन इन सर्टेन केसेस, किस किस केस में इंफॉर्मेशन पब्लिश की जा सकती है। व्हाट टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन कैन बी पब्लिश, द नेम ऑफ द पर्सन एंड एनी अदर पार्टी रिलेटिंग टू एनी प्रोसीडिंग और प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग और प्रोसिक्यूशन अंडर द एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच पर्सन, हु कैन पब्लिश सच इंफॉर्मेशन, कमिश्नर और एनी ऑफिसर ऑथराइज बाय हिम इन दिस बिहाफ। What is the manner of publication of information? The information shall be published in such manner as the commissioner authorized officer think fit. When can the information be published? Such information shall be published if the commissioner any other officer authorized by him in this behalf is of opinion that it is necessary expedient in the public interest to do so. Is there any additional information which can be published in case of the film company or association of a person name of the partner of the film or partner of the firm, director, managing agent, secretaries and the treasurer or the manager of the company or the member of association as the case may be also published if in the opinion of commissioner authorized officer circumstances of the case justify it. What is the limitation on the publication of information relating to the penalty? Penalty की information क्या? No publication under this section shall be made in the relation to any penalty imposed under the Act until the time for presenting an appeal for the appellate authority under section 107 has expired, 3 months extended due to further 1 month without an appeal have been presented. तो मतलब बिना जब तक अपील वाला टाइम नहीं निकलता तब तक कोई भी पेनल्टी का भी प्रोविजन को भी वो पब्लिश नहीं कर सकते, मतलब अगर किसी पेनल्टी पॉज हो गई तो उसको भी और उसको वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली इस बारे में बात था कि जो डिपार्टमेंट है वो किस किस केस में हमारी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकता है यानी पब्लिकेशन पब्लिकेट कर सकता है। सेक्शन 7 जो है रिमूवल और डिफिकल्टी की काफ़ी यूज होता है, टेकिंग असिस्टेंट फ्रॉम एन एक्सपर्ट क्या कहना चाह रहा है ये सेक्शन।
Second, 153 enable an officer not below the rank of assistant commissioner to take the assistant of any expert at any stage of scrutiny, inquiry, investigation or any other person proceeding before him. It may be noted that such decision shall be taken having regard to the nature and complexity of the case and the interest of revenue. An IT professional assistance may be sought when the officer is of view that information pertaining to that actual person stored on the computer system does not reveal correct details. तो वो आईटी का एक्सपर्ट ले सकता है। ये इस बारे में सेक्शन कौन सा कह रहा था? 153 कह रहा था। असेसमेंट प्रोसीडिंग एक्सेट्रा नॉट टू बी इनवैलिडेट इन सर्टेन ग्राउंड। हाँ, विच प्रोसीडिंग आर कवर्ड अंडर दिस प्रोविजन। कौन कौन सी प्रोसीडिंग कवर है इसमें? द फॉलोइंग प्रोसीडिंग डन एक्सेप्ट मेड इशूड इनिशिएट और प्रपोज टू हैव बीन डन एक्सेप्टेड मेड इशू इनिशियली इन परसुएंस ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट आर कवर्ड। असेसमेंट, रीअसेसमेंट, एडजुडिकेशन, रिव्यू, रिविजन, अपील, रेक्टिफिकेशन, नोटिस, समन और अदर प्रोसीडिंग। तो ये वाले जो प्रोसीडिंग हैं वो इसमें कवर होते हैं। इसके अलावा ऑन विच ग्राउंड विच सच प्रोसीडिंग शैल बी नॉट हेल्ड इनवैलिडेट। कौन कौन सी ग्राउंड पे इनवैलिडेट नहीं होगा? सच प्रोसीडिंग शैल नॉट बी हेल्ड इनवैलिडेट फॉर मेयर रीजन ऑफ मिस्टेक डिफेक्ट और ओमिशन। इनके केस में मिस्टेक, डिफेक्ट और ओमिशन इनके रिस्पेक्ट में जो है इनवैलिडेट नहीं हो सकता। इफ द सच प्रोसीडिंग आर इन सब्सटेंस एंड इफेक्ट इन कन्फर्मिटी विद और अकाउंटिंग टू द और अकॉर्डिंग टू द इंटेंट पर्पज एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट और एनी अर्लियर लॉ। क्या है? वेन विल द सर्विस ऑफ एनी नोटिस, ऑर्डर और कम्युनिकेशन बी नॉट कॉल्ड इन क्वेश्चन? द सर्विस ऑफ एनी नोटिस, ऑर्डर, कम्युनिकेशन शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इफ द नोटिस, ऑर्डर और कम्युनिकेशन हैज ऑलरेडी बीन एक्टेड अपॉन बाय पर्सन टू हुम इट इज इशूड और वेर सच सर्विस हैज नॉट बीन कॉल्ड इन क्वेश्चन एट और इन द अर्लीस्ट प्रोसीडिंग कमेंस्ड, कंटिन्यूड और फाइनलाइज पर्सुएंट टू सच नोटिस, कम्युनिकेशन और ऑर्डर। ठीक है, तो इन ग्राउंड पे वो इशू हो सकता है। कौन कौन सी ग्राउंड पे आपको इशू किया जा सकता है अगर मतलब इनवैलिडेट नहीं होगा? अगर आपकी प्रोसीडिंग चल रही होगी असेसमेंट की, रीअसेसमेंट की, एडजुडिकेशन की, रिव्यू की, अपील, रेक्टिफिकेशन, नोटिस, सम्मान, इन सब के रिलेटेड चल रहा होगा तो उसके इसमें नहीं हो सकता। और इन मिस्टेक क्या है? मिस्टेक, डिफेक्ट और ओमिशन। मिस्टेक हो सकती है छोटी मोटी, डिफेक्ट हो सकता है, रिमिशन हो सकता है, तो इसको ये प्रोसीडिंग को इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, सेक्शन 161 कहता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अपेरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड। जो फ्रंट में दिख रहा है डिसीजन ऑर्डर कोई तो उसको ठीक किया जा सकता है 109 के अंदर। सू मोटो भी कर सकता है और जो एप्लीकेंट है उसके रिक्वेस्ट पे भी किया जा सकता है। राउंडिंग अप का प्रोविजन 170 के अंदर है। देखा होगा आपने कि हमने 2 डिजिट तक ऐसे 4 डिजिट तक ऐसे राइड ऑफ कर राउंड ऑफ कर देते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है? अमाउंट कवर्ड द प्रिंसिपल, इसमें क्या क्या है? टैक्स, पेनल्टी, इंटरेस्ट, फाइन, सारा कुछ ही इंक्लूड है, सब में राउंडिंग लगता है। एनी अदर सम पेबल टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, रिफंड, एनी अदर सम ड्यू टू द प्रोविजन। राउंडिंग ऑफ का प्रिंसिपल क्या है? अमाउंट कंटेन पार्ट ऑफ द रुपीज कंसिस्टिंग ए पैसा एंड सच पैसा सच पार्ट इज 50 पैसा और मोर। अगर 50 पैसा भी है तो भी वो अफोर्ड की तरफ से हम राइट ऑफ कर देते हैं, मतलब 0.50 है तो उसको हम 1:1 मान लेते हैं। ठीक है, अमाउंट कंटेन पार्ट और रुपीज कंसिस्ट ऑफ द पैसा एंड सच पैसा इज लेस देन 50%, 50% से 50 रुपीज से ज़्यादा है तो 50 पैसा से ज़्यादा है तो इन दैट के सब बिलो वाले को राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, उस मतलब इन शॉर्ट टू वाला पार्ट को इग्नोर ही करेंगे। अब रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी सेक्शन 172 कह रहा है किस किस केस में? ऑर्डर नंबर ये क्या है? ये जो गवर्नमेंट है या आपकी जो भी दिक्कतें आएगी वो 172 का यूज करके आपकी दिक्कतों को दूर करेगी। सेक्शन 172 लेज डाउन द प्रोसीजर दैट मे बी फॉलोड बाय द गवर्नमेंट इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी इज गिविंग इफेक्ट टू एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट। इन सच केस द सेंट्रल गवर्नमेंट मे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द GST काउंसिल बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर पब्लिश इन गजट मेक सच प्रोविजन नॉट इनकन्सिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट और द रूल और रेगुलेशन मेड देयर अंडर एज मे बी नेसेसरी और एक्सपेंडिएट फॉर द पर्पज ऑफ रिमूविंग द सेट डिफिकल्टी। द टाइम लिमिट फॉर मेकिंग सच ऑर्डर शैल बी 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। एवरी ऑर्डर सो मेड शैल बी लेड एज सून एज मे बी मे
B after it made before the parliament. Similar provision relating to the removal of difficulty has also been prescribed under section 25 of IGST. ठीक है, तो वो भी कोई कोई जो बातें रहता है उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑर्डर वगैरह दे करके आपकी डिफिकल्टी को चेंज कर लेती है, हटा कम कर देती है। इसके बाद हमारा सेक्शन 164 165 पर कहता है पावर ऑफ गवर्नमेंट टू मेक द रूल एंड रेगुलेशन। गवर्नमेंट के पास क्या है, रूल्स और रेगुलेशन बनाने का है, और जीएसटी काउंसिल के पास इस एक्ट को उसमें कोई मॉडिफिकेशन रिकमेंड करने का है। ठीक है, सेक्शन 164 एम्पावर द गवर्नमेंट टू मेक द रूल एंड रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल फॉर कैरिंग आउट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। द फॉलोइंग नॉट वर्दी इन दिस रिगार्ड, द गवर्नमेंट मे टेक द रूल फॉर ऑल और एनी ऑफ द मैटर विच बाय द एक्ट आर रिक्वायर्ड टू बी और मे बी प्रिस्क्राइब और इन रिस्पेक्ट ऑफ सच प्रोविजन आर टू बी और मे बी यूज बाय द रूल। ठीक है, द रूल मे बी इशूड विद रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट बट नॉट फ्रॉम द डेट अर्लियर देन द डेट ऑन विच प्रोविजन ऑफ द एक्ट हैज बीन कम इन फोर्स। द रूल मे प्रोवाइड द पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग 10,000 फॉर कमिटिंग ब्रीच ऑफ एनी रूल। ठीक है, उसके बाद हमारा बात करते हैं 166 कहता है लाइंग ऑफ रूल एंड रेगुलेशन एंड नोटिफिकेशन। एवरी रूल मेड बाय द गवर्नमेंट, एवरी रेगुलेशन मेड बाय द बोर्ड और एवरी नोटिफिकेशन इशू बाय द गवर्नमेंट। देखो, जो रूल बनाता है वो कौन बनाता है, गवर्नमेंट, और जो रेगुलेशन बनाता है वो बनाता है बोर्ड। ठीक है, और जो इशू करता है नोटिफिकेशन वो है गवर्नमेंट। ठीक है, इफ बोथ द हाउस एग्री दैट द मॉडिफिकेशन इज मेड टू द रूल एंड रेगुलेशन नोटिफिकेशन, रूल और रेगुलेशन और नोटिफिकेशन शुड नॉट बी मेड। द रूल और रेगुलेशन नोटिफिकेशन शैल ट्रांसफर हैव इफेक्ट ओनली इन मॉडिफाइड फ्रॉम और नॉट इफेक्ट इन केस मे बी। डेलीगेशन ऑफ पावर, वही डेलीगेशन पावर किस किस को डेलीगेट करता है उसने, गवर्नमेंट ने आगे सेक्शन 167 प्रिस्क्राइब दैट द पावर कन्फर्ड एनी अथॉरिटी ऑफिसर कैन ऑल्सो बी एक्सरसाइज बाई अदर अथॉरिटी ऑफिसर इफ द कमिश्नर सो डायरेक्टेड बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी स्पेसिफिक। तो नोटिफिकेशन के साथ वो कर सकता है, डेलीगेट कर सकता है पावर को। ठीक है, कमिश्नर के पास पावर होती है। सेक्शन 168 कहता है पावर टू इशू इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन, तो गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन को इशू कर सकती है। ठीक है, इसमें कुछ डेफिनेशन है प्रॉपर ऑफिस का वगैरह का, ये हमें ऑलरेडी जो उसमें हमने पढ़ा था अग्रीमेंट उसमें डेफिनेशन वाले उसमें हमने कवर कर लिया है। आगे पढ़ लेते हैं सेक्शन 173 से 174, ओमिशन एंड रीअपील ऑफ द अर्लियर लॉ। अमेंडमेंट ऑफ एक्ट 32/1994 क्या कहता है, ओवर फाइनेंस एक्ट 1994 लेड डाउन द प्रोविजन ऑफ सर्विस टैक्स, सिंस द सर्विस टैक्स हैज बीन सबसमंड इन जीएसटी सच प्रोविजन आर ऑल्सो नो मोर रिक्वायर्ड एंड हैंस हैव बीन ओमिटेड एंड आर नॉट इन फोर्स। रीअपील एंड सेविंग 174 क्या कहता है, द फॉलोइंग लिटिगेशन शैल स्टैंड रिपेल्ड रीअपील फ्रॉम July 1, 2017 दैट इज द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द सी जी एस टी एक्ट। द सेंट्रल एक्साइज, मतलब ये सारे जो है ना रीअपील इन इन केस में होगा, कहाँ होगा, इसी के अंदर जी एस टी के अंदर, यानी जो जो इसके अंदर अब सम्मान हुआ है ना, तो अब इनकी जो भी केसेज चलेगी वो इसी के अंदर चली जाएगी। ठीक है, रीअपील अंडर सेक्शन 174 और अमेंडमेंट अंडर 173 शैल नॉट रिवाइव एनीथिंग नॉट इन फोर्स, मतलब कोई नया इफेक्ट नहीं होगा, प्रीवियस पोजीशन को मेंटेन रखा जाएगा, पिछले वाले में ये अबोलिश नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, अभी भी उसके केसेस लग सकते हैं जैसे भी वो सेक्शन में चेंजेस था। ठीक है, उसके बाद कुछ अदर प्रोविजन हैं छोटे मोटे से, वो देख लेते हैं। कॉमन पोर्टल के बारे में आपको पता है, www.gov.gst.gov.in। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हो आप, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, फर्निशिंग फीचर्स, कंप्यूटेशन कर सकते हो, ईओ बिल बना सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक ईओ बिल। ठीक है, स्पेस उसके बाद हम बात कर लेते हैं 148 कहता है स्पेशल प्रोविजन फॉर सेंट्रल सर्टेन प्रोसेस। क्या कहता है सेक्शन 148 में, कहता है रजिस्ट्रेशन, फाइलिंग ऑफ रिटर्न, पेमेंट ऑफ टैक्स और एडमिशन। इसका सेक्शन 148 इज अनेबलिंग प्रोविजन फॉर प्रिस्क्राइबिंग स्पेशल प्रोसेस फॉर सर्टेन प्रोसेस। द फॉलोइंग आर नॉट विद नॉट वर्दी इन दिस रिगार्ड। क्या क्या है भाई,
Such procedure shall be prescribed by way of the notification issued by the government on the recommendation of GST Council. The condition and the safeguard and the classes of registered person to whom such procedure will be applicable shall be stated in the notification itself. The special purpose special procedure may be prescribed with regard to the following: registration, filing, payment of tax or administration के बारे में special उसमें बताई जाएगी, ठीक है? उसके बाद है goods and service tax compliances rating. ये एक रेटिंग दिया जाएगा कि जीएसटी की कंप्लाइंसेस कितने कितने लोगों ने किया, ये अभी तक शुरू भी सभी अभी शुरू भी हो गया है, किस किस ने टैक्स भरा है, किस किस ने नहीं. सेक्शन 154 बात करता है पावर टू टेक सैंपल. ये कमिश्नर द कमिश्नर और ऑफिसर ऑथराइज बाय हिम टेक सैंपल ऑफ द गुड्स फ्रॉम द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन वेयर ही कंसिडर इट नेसेसरी. सच ऑफिसर शैल प्रोवाइड द रिसिप्ट ऑफ द सैंपल सो टेकन. बर्डन टू प्रूफ सेक्शन 155 में क्या किसके ऊपर होता है, जो क्लाइंट के ऊपर होता है यानी जो एससी है उसके ऊपर होता है. पब्लिक सर्वेंट का मतलब क्या होता है, डीम टू बी पब्लिक सर्वेंट क्या होता है. सेक्शन 156 डीम ऑल द प्रोसेसर डिस्चार्जिंग द फंक्शन अंडर द एक्ट एज ए पब्लिक सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन पिनल कोड. आगे 157 कहता है प्रोटेक्शन और द एक्शन टेकन अंडर द एक्ट. 157 ग्रांट इम्यूनिटी टू द फॉलोइंग पर्सन अगेंस्ट द लीगल प्रोसीडिंग फॉर एनीथिंग done or intended to be done in good faith. President of appellate tribunal, state president, president of the appellate tribunal, member of the appellate tribunal, officer or other employee of the appellate tribunal. तो ये सारे जो हैं officers हैं इनके और any other person authorized by appellate tribunal or any other appointed by the authorized person make them immune from the personal liability for decision act or omission that are made within the scope of the official duty. ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान अगर कोई इन्होंने मिस्टेक हो गई इनसे तो इनको ऊपर इम्यूनिटी दी गई है कि इनको कुछ नहीं होगा, ठीक है. बार और ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट सेक्शन 162 कहता है टैक्सेस आर द सिविल लेबिलिटी. तो इसकी जो डीलिंग होगी कोर्ट की वो भी सिविल में ही होगी. तो ये लेवी और फीस सेक्शन 163 प्रोवाइड दैट ए कॉपी ऑफ एनी ऑर्डर और डॉक्यूमेंट कैन बी प्रोवाइडेड टू एनी पर्सन ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय हिम फॉर दैट पर्पज आफ्टर पेइंग ए prescribed fees. Service or notice in certain circumstances. A notice, decision, order, summon or any other communication under the act and the related rule are served on the assessee on concordance with the provision of section 169. Mode of service kya hai? Subsection 1 of section 169 provide that a notice, decision, order, summon or any other communication can be served by any one of the following method: giving tender directly, ठीक है, या फिर registered post से दे सकते हैं, email के थ्रू दे सकते हैं, common portal पे लिख के दे सकते हैं, publication कर सकते हैं newspaper में, या फिर business place पे affix कर सकते हैं. तो ये deemed serve को माना जाएगा. अगर ये सारे कार्यक्रम कर दिए तो deemed serve माना जाएगा. deemed receipt कैसे माना जाएगा, when the decision order summon notice or any communication is sent by the registered post or speed post, it shall be deemed to have been received by the addressee at the expiry of the period normally taken by the for the speed post, ठीक है. एंटी प्रॉफिटरिंग मेजर जो एक जीएसटी के रेट को आगे पास नहीं करते थे तो नेशनल लेवल पे नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग कमिटी बनाई गई जो कि वेरीफाई करेगी कि लास्ट पर्सन तक वो जो टैक्स की बेनिफिट है वो पहुंच गया है कि नहीं पहुंचा है, ठीक है. उसके बाद कुछ वही नॉर्मल उसके कंसर्न है बता रखे हैं. एप्लीकेशन बाय द कंज्यूमर स्टार्ट स्क्रीनिंग कमेटी पहले जाती है, फिर कंफर्म प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ द प्रॉफिटेरिंग. ये जो एंटी प्रॉफिटेरिंग है वो कैसे काम करता है, स्क्रीनिंग कमेटी के पास जाती है बात और फिर वो कंफर्म करता है प्राइमा फेसी क्या कोई भी एविडेंस है एंटी प्रॉफिटेरिंग का. फिर स्टैंडिंग कमीशन पे जाती है, वो कमीशन कंफर्म प्राइमा फेसी एविडेंस प्रॉफिटेरिंग फिर दोनों भेजते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी प्रॉफिटेरिंग पे, फिर नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग तक जाता है, ठीक है. सेक्शन 20 जो IGST का है वही है सिंपल, स्कोप ऑफ सप्लाई टैक्सीज रेटेड वही बता रखी है, ऑडिट इंस्पेक्शन, ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा. उसके बाद अपोर्शनमेंट ऑफ टैक्स के बारे में बता रखा है. अपोर्शनमेंट ऑफ टैक्स नया है कुछ. अपोर्शनमेंट ऑफ टैक्स क्या है कि हम जो जितने भी स्टेट हैं उन्होंने जो भी अर्न किया है उनको कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स को किस रेशियो में बांटेंगे, तो वो सारा मतलब अलग से निकालना होता है सिस्टम. हालांकि ये सब टेक्निकली है तो इसको ज़्यादा तो नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी एक बार हमें रीडिंग जरूरी है. अपोर्शनमेंट ऑफ द IGST इन रिस्पेक्ट ऑफ द B2B सप्लाई व्हेन ITC इज टेकन बाय द रिसिपिएंट.
अगर रिसिपेंट ने ITC ले लिया है, रिसिपेंट ने ITC ले लिया तो उस केस में क्या होगा, द अमाउंट ऑफ द IGST इन रिस्पेक्ट ऑफ द बी टू बी सप्लाई वेयर इन द ITC इज टेकन बाय द रिसिपेंट दैट इज GST नॉट अपोर्शनड अबव मे फॉर द टाइम बीइंग एंड द रिकमेंडेशन ऑफ GST काउंसिल बी अप्रोप्रिएट अपोर्शन एट द रेट ऑफ 50% टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 50% टू द स्टेट गवर्नमेंट। अगर कुछ भी इसमें आइडेंटिफाई नहीं हो रहा तो दोनों में आधा आधा करके बांट दो, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट सेक्शन 18 है, तो उसमें हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि किस किस में हम कितना कितना कर सकते हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो हमने पहले पढ़ा था, प्रिंसिपल डायरेक्टर्स हमारा सेकंड चैप्टर था, तो ये वही उसी के बारे में कि कौन किसकी पोस्ट पे है, ठीक है। उसके बाद है मैनर ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ द कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ द टाइम, जनरल क्लॉज है 9 का, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ओके, तो इसके बाद हमारा जो है खत्म होता है कहानी। तो एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए एनकेम वेंचर्स, क्लास को एंजॉय करते रहिए। बाय बाय।